नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संजीवनी टीम के द्वारा बनाए गए अद्भुत बायोगैस प्लांट और उसकी सफर के बारे में। हमने 1 मई 2018 यानी गुजरात स्थापना दिन के दिन सबसे पहले 5 बायोगैस प्लांट किसानों के वहां स्थापित किए थे। उन बायोगैस प्लांट में FRP मटेरियल से बना डाइजेस्टर दिया गया था और डाइजेस्टर के ऊपर एक स्टेनलेस स्टील का बिलोना लगाया गया था जो बायोगैस के अंदर होने वाली स्कमिंग को तोड़ने का काम करता था और साथ ही साथ बलून, बूस्टर, स्टोव और गैस की लाइन ये सब भी दिया गया था। कुछ वक्त के बाद किसानों के वहाँ लगे इन डाइजेस्टर्स में ऊपर जो नट बोल्ट दिए गए थे उसमें हमें थोड़ा बहुत लीकेज नज़र आया, तो उन नट बोल्ट्स को निकालने के लिए हमने डाइजेस्टर का एक नया शेप बनाया जो कि शिवलिंग टाइप था। उसमें नट बोल्ट निकल गए और साथ ही साथ जो बिलोना ऊपर दिया गया था उसको हमने साइड में फिट किया जिससे वो वाटर सील हो गया और गैस लीकेजिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर अभी भी हमारे लिए एक दो चुनौतियाँ और थी, जैसे बलून को चूहे ने काट लिया या लाइट नहीं है तो गैस का इस्तेमाल कैसे करें। इन चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए संजीवनी टीम का निरंतर R&D का काम चलता रहा। संजीवनी टीम की अद्भुत और निरंतर मेहनत के बाद 2 अक्टूबर 2021 यानी गांधी जयंती के दिन एक अद्भुत बायोगैस प्लांट का निर्माण किया गया जो कि पोर्टेबल है, FRP मटेरियल से बना है। पहले जितना बायोगैस में गैस मिलता था उतना ही आज इसमें गैस मिल रहा है, पर बलून नहीं है। पहले जितना गैस का प्रेशर मिल रहा था उससे भी ज़्यादा गैस का प्रेशर मिल रहा है, पर बूस्टर पंप नहीं है। पहले स्कमिंग तोड़ने के लिए बिलोना था और जो स्कमिंग टूट रहा था उससे भी अच्छा आज स्कमिंग टूट रहा है, पर इसमें बिलोना भी नहीं है। यही है इस अद्भुत टेक्नोलॉजी से चलने वाला प्लांट जो कि 2 गन मीटर का है, जो 4 से 5 पशु के गोबर यानी 50 किलो गोबर पे चलता है, जिसमें से रोज़ाना 100 लीटर तरल खाद और साथ ही साथ 3.5 से 4 घंटे एक सगड़ी चल सके उतना प्रेशर से गैस मिलता है।